जा। कैसा है बेटा? मैं आ गया हूँ। आज पार्टी है बेटे, तुम्हारे लिए स्पेशल नॉनवेज लाया हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें वो मीट मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा, गुड बॉय। तू और मैं दोस्त है ना बेटे? कुछ बस 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 बस। अब हमारे में तुम्हारा शक्ति आ जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इस पागल प्रोफेसर ने किस तरह से इन मासूम जानवरों को सताया है। देखिए इस भेड़िए को, इसे स्मगल किया गया है और यहाँ पर कैद किया गया है। जुल्म कर रहा है ये प्रोफेसर इस पे। जुल्म नहीं कर रहा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, प्रयोग। खून नहीं कर रहा हूँ मैं। और आप हैं कौन? सुनंदा चटवाल, एनिमल सोसाइटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन। रिपोर्ट दर्ज की है इन्होंने, पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मजाक है क्या? हम एक वैज्ञानिक है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और हम इनकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, मैनकाइंड के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अजीब मुसीबत है। मुजरिम भी पकड़ो, रुमाल भी दो। बांधो इधर। फ्यूचर तो साइंटिस्ट बाबू अब आपका जेल में निर्धारित होगा। प्रायश्चित का समय चालू। प्रायश्चित तो किसी और को करना पड़ेगा इसके लिए। नहीं छोड़ूंगा उस सुनंदा चटवाल को। उसने हमको जेल तक पहुंचा दिया है, हम उसको उसकी सही जगह तक पहुंचा देगा। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होकर ही रहेगा। प्रोफेसर, आपकी बेल हो गई, चलो। सॉरी सर, वो वकील को कोर्ट में जमानत देने में बहुत है। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस हेल। बहुत काम बाकी है। सुनो, अगर ऐसे आड़े टेढ़े काम करोगे तो फिर से इस हेल में आना पड़ेगा। तुम्हारी लैंग्वेज में। कितनी समझदार हो तुम, क्यों ऐसे आड़े टेढ़े आदमी को असिस्ट करती है। चलो रुपया, चलो। पानी। देवियों और सज्जनों, श्रीमती सुनंदा चटवाल ने जानवरों के हित के लिए जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए उन्हें आज इस विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक जोरदार ताली हो जाए सुनंदा जी के नाम। आनंद का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ये खरोंचों के निशान कैसे? कुछ देर और ये जख्म ऐसे ही रह जाता तो तुम्हें ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती। इतने केयरलेस मत बनो। हाँ, और ये गोलियां दे रहा हूँ, इसे सुबह शाम खाते रहना, इससे जख्म जल्दी सूख जाएगा। ठीक है? हैप्पी बर्थडे सर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? लहरी वो तुम्हें जन्मदिन विश कर रही है। और क्या जन्मदिन विश कर रही है? जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता, नो जन्मदिन, नो सेलिब्रेशन। और तुम ये फूल कचरे में डाल दो और आइंदा ऐसी गलती मत करना, समझी? वरना तुम्हें भी निकाल दूंगा। उसे निकाला था ना, ठीक वैसे ही। ले लो, गेट बैक टू वर्क। What is this? हेलो हेलो आनंद, आनंद कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? क्या तुम आज भी लेट आओगे? आनंद इतना भी काम मत करो कि हमें आपस में टाइम ही ना मिले। हेलो हेलो आनंद, हेलो हेलो, कौन? लहरी साहब, वो इतनी रात को कहाँ जा रहे हो रेनकोट पहन के? बारिश का मौसम है, रेनकोट पहन के नहीं जाऊंगा तो ब्लेजर पहन के जाऊंगा। ओए क्यों छोटी छोटी बात पे भड़कता है? तेरे से तो बात करना भी मुसीबत है। तो मत करो बात। ओ बात तो करनी पड़ेगी ना, तूने लान में इतना कचरा जो फैला रखा है। आखिर तेरा पड़ोसी हूँ। एक्सक्यूज मी, वो कचरा नहीं है, हमारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का सामान है। ओ भाई जो भी हो, लगदा तो कबाड़ी की दुकान ही है ना। वो एक गंदी बास मारता है और रात को चूहे भी आते हैं। पकड़ के खा जाओ, दिमाग ठंडा रहेगा। ओए अब तो साफ साफ लगता है कि बंदे का दिमाग खिसक गया है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ कैसी है? कहीं आनंद तो नहीं आ गए? लेकिन आनंद तो हमेशा बेल बजाते हैं। लगता है बेल खराब हो गई होगी। देखती हूँ। कौन है? कोई बाहर है ही नहीं। संध्या, संध्या कोई है? ऐसा लगता है किसी जानवर ने अटैक किया है। शहर में ऐसा जानवर आएगा कहां से? कुत्ता भी तो है घर में? नहीं। और पड़ोसियों के घर पे? साफ। ये घड़ी बाहर मिली। आइलैंड में एनिमल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक्टिविस्ट सुनंदा चटवाल की उनके घर पर हत्या कर दी गई। हमले के वक्त वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। इस सिलसिले में पुलिस ने साइंटिस्ट आशीष लहरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि ये मर्डर लहरी ने ही किया है। निशा बेटे, ये तो हाँ माँ, ये तो होना ही था उस भेड़िए के साथ। केडी सर, मेरी बॉस बिल्कुल बेकसूर है। वो किसी का खून नहीं कर सकते। उन्हें ना जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। केडी सर, आप प्लीज प्रोफेसर लहरी को बचा लीजिए। शायद वरुण राठौड़ साहब के थाने में गिरफ्तार हुए हैं ना? मिलता हूँ मैं राठौड़ साहब से और प्रोफेसर साहब से भी। या पाठक साहब, मान लिया बरसात में काम कुछ कम हो जाता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कोई भी अतरंगी केस ले लोगे। काम की इतनी कमी थी तो मुझसे कह देते, दो चार केस तो मैं ही आपको दिला देता। राठौड़ साहब वो आपके कौन है? मामा जी हैं, वकील साहब जो 6 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। एक आध केस उन्हें क्यों नहीं दिला देते? अब आपको एतराज ना हो तो मैं प्रोफेसर साहब से मिल लूं जरा। मिलिए। धन्यवाद। प्रोफेसर लाहिरी। डोंट डिस्टर्ब मी। ये सवेरे से ही परेशान कर रहा है। Love it. पता है तुम्हें, अगर इंसान के खून के साथ जानवर का खून सही मात्रा में मिलाया जाए तो इंसान के अंदर जानवर की सारी क्वालिटीज आ जाती है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिमाग इंसान का, ताकत जानवर की। बुद्धिमान प्लस बलवान is equal to perfect इंसान। प्रोफेसर, ये लो खाना। घास फूस ले जाओ यहाँ से, मांस ले आओ, नॉन वेज। ये शाकाहारी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे लिए नहीं, हमारा एक भी दांत शाकाहारी नहीं है। तो प्रोफेसर, ये जो हत्या का आरोप आप पर लगाया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गिल्टी, मैं दोषी हूं, मैंने खून किया है। और ये लाश और गवाह तुम हो। सो hang me till death. अक्सर जीनियस लोगों के साथ ऐसा ही होता है। उनकी कदर मौत के बाद ही होती है, आफ्टर। योर ऑनर, 17 जून की रात समाज सेविका सुनंदा चटवाल के घर में जिस व्यक्ति ने घुसकर बेरहमी से उनकी हत्या की, वो व्यक्ति और कोई नहीं आशीष लहरी है। योर ऑनर, योर ऑनर, मेरे मोकिल प्रोफेसर आशीष लहरी पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक मनुष्य है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा जी की हत्या किसी खतरनाक जानवर ने की है, क्योंकि उनके मृत शरीर पर पंजों के निशान पाए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, जिस समय उन पर आक्रमण हुआ वो अपनी बहन संध्या के साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे। संध्या जी का यह कहना है कि उन्होंने फोन पर किसी जानवर के घुर्राने की आवाज सुनी। ऐसे में मेरे मोकिल पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। पटक साहब, आप शायद भूल रहे हैं। क्या कि दरवाजा था ना, वो बंद था और जो इंसान है वो दरवाजा खोल के अंदर घुसा था, तो जानवर तो अपने आप दरवाजा खोल नहीं सकता ना। दरवाजा तो अंदर से भी खोल सकता है। हो सकता है सुनंदा जी ने खोला हो या दरवाजा खुला रहा हो। नहीं, खुला था नहीं, बंद ही था। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। दरवाजा खोला इन्होंने और हमला किया भेड़िए ने। अच्छा, ट्रेंड भेड़िया था और इन्होंने ट्रेंड भेड़िए को बोला जा हमला कर, उसने हमला किया। जा मार डाल इसे, जा। और चूंकि प्रोफेसर लहरी जो है वो ज़ूलॉजिस्ट है, तो उनके लिए ये जानवरों को नियंत्रण में रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही, इसलिए मैं सालों से भेड़िया मानव पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और एक दिन वो कामयाब होकर ही रहेगा। नहीं, और ये जो सफलता के बीच में सुनंदा जी ने जो डिस्टर्ब किया, उनका ये एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया, इसलिए इन्होंने उनको मार दिया। जायसवाल साहब, थ्योरी के रूप में अच्छी है आपकी बात, लेकिन ये अदालत है, कोई साक्ष्य साक्षी इत्यादि सब कुछ है मेरे पास। पेश कीजिए सबूत, गवाह। योर ऑनर, मैं अपना गवाह पेश करना चाहता हूँ विथ योर काइंड परमिशन सर। परमिशन ग्रांटेड। जज साहब, इसी ने मारा है मेरी बीवी, यही है सुनंदा का कातिल। जज साहब, सुनंदा जो थी वो जानवरों की रक्षक थी और ये जानवरों का भक्षक है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर जानवरों पर जुल्म करना इसका पेशा है, इसका शौक है, जिसके कारण सुनंदा ने इसे पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। उसके बाद ये सन की साइंटिस्ट सुनंदा को मारने के फिराक में था, चोरी चोरी उसका पीछा करने लगा था। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हर जगह मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरे ऑफिस के बाहर, रास्ते में, यहाँ तक कि हमारे घर के बाहर भी। मुझे तो डर है कि कहीं वो पागल प्रोफेसर तो नहीं। यही था वो जज साहब, और उस रात मौका पाकर इसने सुनंदा की जान ले ली। आनंद जी, आपने जो आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल पर, इस बात का कोई प्रमाण है आपके साथ? पाठक साहब, मेरे पास प्रमाण है, दूध चलेगा। हाँ जी, ये है ना डॉक्टर साहब, ये जो घड़ी है, ये घड़ी आपके क्लाइंट की है जो पुलिस को मौका वारदात से मिली। अरे ये तो हमारा घड़ी है जो खो गया था। कब खोया था, कहाँ खोया था? मैंने इसे टेबल पर रखा, गायब हो गया, लेकिन अब तुम रख लो, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा सारा समय एक्सपेरिमेंट में ही जाता है। पाठक साहब जी, ये आपका जो मुवक्किल है एक्टिंग अच्छी कर लेता है, अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने। जायसवाल साहब, बाज नहीं आएंगे आप, ये रामलीला बंद करिए, मुझे केस लड़ने दीजिए, हटिए। आनंद जी, ये बताइए कि जिस समय आपकी पत्नी की हत्या हुई आप कहाँ थे? जी, वो मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। अच्छा, क्या अदालत को बताइए कृपया, क्या करते हैं आप, व्यवसाय क्या है आपका? जी, मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ। फिल्म, चलचित्र इत्यादि में जो ध्वनि होती है उसे दर्ज करते हैं, तो उस रात वही कर रहे थे या कहीं और थे बाहर? कभी कभी हमारी नाइट शिफ्ट भी होती है। कहाँ बताइए? याद नहीं आ रहा। रोशन विलाब, बांद्रा में। पुलिस को भी आपने यही कहा? जी। गलत कहा था। पक्का 17 जून को यहाँ कोई नाइट शिफ्ट नहीं थी। आप चाहो तो बुकिंग रजिस्टर खोल कर देख लो। 17 जून को सुबह 9 से रात 9 की शिफ्ट थी। उसके बाद हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। एक बार फिर से प्रश्न पूछता हूँ आपसे, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जिस रात आपकी पत्नी की हत्या हुई, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? ओह, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली उस दिन डे शिफ्ट थी और शाम को शिफ्ट खत्म करने के बाद दिल्ली से मेरा फ्रेंड आया था, उसके साथ मैं नाइट क्लब गया था। यहाँ राइट, पुराना दोस्त दिल्ली से आया था, उसके साथ आप नाइट क्लब गए थे। आए हैं आपके मित्र यहाँ उपस्थित हैं? जी, वो तो चले गए दिल्ली वापस। मतलब विचित्र बात है कि आपके इतने पुराने दोस्त दिल्ली से आए आपसे भेंट करने, आप दोनों नाइट क्लब गए, उसी समय आपकी पत्नी की हत्या हो गई और आपके दोस्त आपको छोड़कर लौट गए, आपका साथ नहीं दिया ऐसे कठिन समय पर। जी, दरअसल मैं नाइट क्लब के बाद मेरे दोस्त को एयरपोर्ट पे छोड़ने गया था और उसके बाद मैं सुबह जब घर वापस पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वहां पे सुनंदा की लाश पड़ी थी। और लाश तो ऐसी लग रही थी जैसे किसी जानवर ने। जायसवाल साहब, आपका गवाह रो रहा है, रुमाल दीजिए ना उसे। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आनंद जी, ये बताइए कि आपकी पत्नी के साथ उस दिन, उस रात अंतिम बार आपकी वार्तालाप कब हुई थी, कितने बजे? करीब 11 बजे मैंने फोन किया था और कहा था कि मैं देर से आऊंगा तो तुम खाना खाकर सो जाना। क्या तुम आज भी लेट आओगे? पाठक साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूंगे, सुनंदा चतवाल जी के मोबाइल पर जिस नंबर से फ़ोन आया था 392844 लैंडलाइन नंबर, वो आपके क्लाइंट लहरी जी के घर का नंबर है। हाँ, ये हमारे घर का नंबर है, लेकिन मैंने सुनंदा चतवाल को फ़ोन नहीं किया था, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर से फ़ोन किया गया है और आप कह रहे हैं कि आपने फ़ोन किया ही नहीं। योर ऑनर, ये बात तो हजम नहीं हो रही है। योर ऑनर, इनके फ़ोन से सुनंदा जी को फ़ोन जाना केवल इस बात का संकेत है कि इनके नंबर से सुनंदा जी को फ़ोन किया गया था। इसका निष्कर्ष ये नहीं है कि इन्होंने ही सुनंदा जी को फ़ोन किया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। रूबिया जी, आप प्रोफेसर लाहिरी की सहायक हैं। अभी अभी तुमने सुना मैंने अदालत में कहा कि इनके फ़ोन से सुनंदा चटवाल को फ़ोन किया गया था, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो फ़ोन इन्होंने ही किया था। इनके लैंडलाइन का उपयोग इनसे ज़्यादा तुम करती हो सकता है तुमने किया हो फ़ोन या किसी और ने किया हो। ये सही है कि प्रोफेसर का लैंडलाइन मैं यूज़ करती हूँ। प्रोफेसर के पास मोबाइल नहीं है और वो काम में इतने बिजी रहते हैं कि किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करते, तो कहीं कॉल करना तो बहुत दूर की बात है। आई एम श्योर कि सुनंदा चटवाल को उन्होंने कॉल नहीं किया होगा। पर केडी सर, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 11 बजे के बाद लैब में थी ही नहीं, उससे पहले ही घर चली गई थी। अच्छा, घर चली गई थी आप? तो जिस समय आप घर गई वहाँ प्रयोगशाला में और कौन कौन उपस्थित था आपके जाने के बाद? कोई नहीं, बस लहरी सर थे और हाँ, उनके डॉक्टर कपाड़िया। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद डॉक्टर कपाड़िया ने ही सुनंदा चटवाल को कॉल किया हो। हाँ, ये बात सच है कि मैं उस रात लहरी से मिला था और मैंने उसकी ड्रेसिंग की, और चूंकि हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं तो मैं उसके साथ बैठ गया, कुछ इधर उधर की बातें की और उसके बाद मैं डायरेक्टली पनवेल चला गया, क्योंकि अगले दिन मेरे घर में किसी की बरसी थी और मैंने लहरी का फ़ोन नहीं टच किया। और मैं सुनंदा चटवाल को क्यों फ़ोन करने लगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। एग्जैक्टली, ये सही बोल रहे हैं योर ऑनर, क्योंकि पाठक साहब, फ़ोन पर केवल सिर्फ 2 ही लोगों की उंगलियों के निशान थे, एक तो आपके क्लाइंट मिस्टर लहरी और दूसरी रूबिया जी। रूबिया जी ने तो अपनी सफाई में कह चुकी है वो कि 11 बजे वो निकल चुकी थी, तो बचे सिर्फ लहरी जी, उन्होंने ही फ़ोन किया था। ये पता लगाने के लिए योर ऑनर कि मिसेस चतवाल घर पे है या नहीं, और जैसे उनको पता चला वो घर पे पहुंच गए, उनका मर्डर कर दिया। सिंपल। नहीं, हमने किसी का खून नहीं किया है, हम साइंटिस्ट हैं, खून ही नहीं है। हाँ, और आपके साइंस को रोकने की जिसने कोशिश की उसकी सांस रोक दिया आपने, मार दिया उसको, आप ही ने खून किया है मिसेस चतवाल का। और योर ऑनर, ये साबित करने के लिए अपने और एक गवाह को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। उस रात करीब 11:15 बजे का वक्त था, मैं अपनी गाड़ी को बारिश से बचाने के लिए ढक रहा था कि अचानक मेरी नजर प्रोफेसर लाहिरी पर पड़ी। ये रेनकोट पहनकर बाहर जा रहे थे और इनका चेहरा हमेशा की तरह रूट था। जज साहब, मैं पिछले 15 सालों से प्रोफेसर लाहिरी का पड़ोसी हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रोफेसर लाहिरी को बारिश और भीगने से नफरत है। सच बात तो ये है जज साहब कि ये तो बारिश के दिनों में घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो फिर ये उस रात क्या करने गए थे? जज साहब, मुझे तो इस पर पूरा शक है। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे इसलिए यकीन है योर ऑनर क्योंकि 11:20 को लहरी जी ने सुनंदा जी को फोन किया। 11:40 को वो अपने घर से निकले सुनंदा जी के घर जाने के लिए। उनके घर से सुनंदा जी का घर करीबन 40 मिनट की दूरी पर है, यानी कि 12:20 को वो उनके घर पे पहुंचे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी यही कहना है कि 12:30 के करीब सुनंदा जी पे हमला हुआ। अब आप बताइए मुझे प्रोफेसर लहरी के इतनी रात को बारिश में आप कहाँ जा रहे थे? निर्जा को मिलने। निर्जा हमारी बीवी। ओ, इनकी बीवी निर्जा, भूल ही गया था मैं। योर ऑनर, मैं उनको यहाँ पे कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। ये आदमी जो मेरे पति हैं, उशरत। निजा जी, देखिए आप घबराइए मत, पुलिस आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, खुलकर बोलिए, डरिए मत। ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, वो उशरत मुझे मिलने नहीं आए थे। हेलो जी सर। जी सर, केस चल रहा है जी, एकदम सही जा रहा है मैंने। क्या सर? ओके सर, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। हम साथ में रहते थे पर पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था हमारे बीच। तलाक नहीं हुआ था पर सब रिश्ते कब के खत्म हो चुके थे। शादी की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा था सर कि मुझे पता चल गया था ये इंसान नहीं, एक भेड़िया है। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी सर, लेकिन एक दिन कहाँ जा रही? रिलैक्स, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिरन का खून तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करूंगा ताकि तुम्हारे अंदर हिरन की चपलता और सुंदरता दोनों आ जाएगी। पागल हो तो सोचो, अगर ये मेरा मैन और एनिमल एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया ना तो हमें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे, अमीर बन जाएंगे, अमीर। रिलैक्स। क्या कर रही हो? हाँ, तब मैं हैरान था, अब मेरा ऑब्सेशन है भेड़िया। जज साहब, ये आदमी भेड़िए पे रिसर्च करते करते ना जाने खुद कब एक भेड़िया बना। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है। सुनंदा चटवाल का खून इसी ने किया होगा। 16 आने सच बात कही आपने। अपने 16 आने गिनने से पहले जायसवाल साहब, एक बार फिर से विचार विमर्श कर लीजिए, क्योंकि आपके गवाह के कथन के अनुसार इन्होंने अपने पड़ोसी प्रोफेसर लाहिरी को अकेले घर से बाहर जाते हुए देखा। इनके साथ कोई भेड़िया नहीं था। भेड़िया इसलिए नहीं था क्योंकि भेड़िया इनके साथ नहीं है पाठक साहब, भेड़िया इनके अंदर है। ये जो मैन टू वुल्फ वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना सालों से, वो कामयाब हो गया है। अब ये खुद मैन टू वुल्फ भेड़िया बन सकते हैं, भेड़िया बनकर ही शिकार करते हैं। क्या हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और मुझे पता भी नहीं। नॉनसेंस। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय क्या बताना चाह रहे हैं अदालत कि यह हत्या एक आदम भेड़िए ने की। करेक्ट। सीरियसली मिस्टर जायसवाल, अब कहां से कहां पहुंच गए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदालत इन बातों को नहीं मानती है। योर ऑनर, तो क्या आप इस बात में भी नहीं मानते जो वेद पुराणों में लिखा गया है विष्णु जी के अवतार के बारे में? पाठक जी आपको भी पता होगा, नरसिम्हा, आधा नर आधा मनुष्य। क्या आप लोग वो जायसवाल साहब, वेद पुराणों की बात है। मैं आपको स्मरण करा दूं कि आप 2013 में हैं इस समय अदालत। याद है मुझे, थैंक यू फॉर दैट। और मैं ये कहूँगा कि उस वक्त जो आदमी भगवान का रूप ले लेता था, आज 2013 में भेड़िए का रूप ले लेता है, जानवर का रूप ले लेता है, क्योंकि ये घोर कलयुग है और ये लहरी जो है वो भेड़िया है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए प्लीज। देख रहा हूँ मैं जायसवाल साहब कि इंसान को जानवर बनने में समय नहीं लगता। वैसे आपने ये जो निराधार आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल प्रोफेसर लाहिरी पर, पूरा विश्वास है मुझे कि साक्ष्य और साक्षी के आधार पर आप 10 ही मिनट में इस आरोप को सिद्ध भी कर देंगे। 10 मिनट से भी कम सबूत है मेरे पास। ये घड़ी उस रात प्रोफेसर ने पहन। आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ योर ऑनर। खरोच आई है बस थोड़ी सी, खून निकला है, खून। योर ऑनर ये देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनकी आंखें देखिए। ये क्या हो रहा है आपको? मेरा खून देख के प्रोफेसर लहरी। खून? आपके हाथ पर खून है। क्या हो रहा है आपको लहरी जी? क्या हो रहा है आपको? मुझे अचानक भूख लगी है जज साहब। मेरा खून देखकर भूख लगी है आपको? अंदर का जानवर जाग रहा है आपका, हैं? क्या कर रहे हैं? जाइए कटघरे में जाइए, जाइए। क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं कहाँ कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, कर तो रहे आपके मुवक्किल। ये खून का रंग देख के उनका असली रंग बाहर आ गया, अंदर का भेड़िया। अब तो योर ऑनर शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इन्होंने ही भेड़िया बनकर सुनंदा चतवाल की जान ली है। योर ऑनर, प्रोफेसर लाहिरी एक मनुष्य है और मैं कह चुका हूँ कि सुनंदा चटवाल की हत्या एक जंगली जानवर द्वारा हुई। कंक्रीट के इस जंगल में जंगली जानवर आया कहाँ से? जंगली जानवर प्रोफेसर लहरी है, उसके अंदर है जंगली जानवर। और आदि पुराणों में भी ये साबित हो चुका है योर ऑनर कि पूर्णमासी के रात आदमी अपने आप में से जानवर का, भेड़े का रूप धारण कर लेता है। और ये भी आपको याद दिला दूं मैं पाठक साहब के, जिस रात 17 जून को मौत हुई थी, हत्या हुई थी सुनंदा चातवाल की, उस रात भी योर ऑनर पूर्णमासी की रात थी। और उस रात भी लहरी जो आदमी है वो भेड़िया बन गया था और उसने जान ले ली सुनंदा चातवाल की। आप चाहते हैं कि 21वीं सदी में रहते हुए मैं आपकी इस अंधविश्वास भरी बात पर यकीन करूं, विश्वास करूं कि एक आदमी भेड़िया बन सकता है? अगर मैं यकीन दिला दूं तो? योर ऑनर 2 साल पहले भी स्वीडन में ऐसा ही वाकया हुआ था जहां पे एक डॉक्टर ने भेड़िए का रूप धारण करके एक औरत की जान ले ली थी। केस पेपर्स आपके मेज पे ही है योर ऑनर। उस वक्त भी वहाँ पे पूर्णमासी की रात थी, फुल मून नाइट, जब हत्या हुई थी, और यहाँ भी 2 दिन बाद पूर्णमासी की रात है। ज्यादा वक्त नहीं, मेरे को सिर्फ 48 घंटे दीजिए साबित करने के लिए कि ये मायावी आदमी पूर्णमासी की रात को भेड़िया बन जाता है और लोगों की जान लेता है। और पाठक साहब, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐतराज या आपत्ति होगी इसमें, क्योंकि वैसे भी आप केस तो हार चुके हैं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप केस जीत जाएंगे। आपके दोनों हाथों में लड्डू। लड्डू बताशों की बात नहीं है यहाँ जायसवाल, विश्वास और अंधविश्वास की बात है, और मैं ये बात कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक आदमी भेड़िया बन सकता है। लेकिन मैं तो साबित कर ही दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे, 48 घंटे। आई विल बी ऑब्लाइज अगर इतना टाइम आप मुझे दे दे तो, योर ऑनर। यह अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। सर, मुझे तो हैरानी हो रही, आप इस फुल मून नाइन ड्रामा के लिए रेडी कैसे हो गए? सर, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जायसवाल तो केस जीतने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी फेंकेगा। और अगर सच तक नहीं पहुंचे तो जायसवाल के झूठ को कैसे पकड़ेंगे? एक ऐसा ही केस स्वीडन में चल रहा है अब तक उनकी अदालत में। वहां भी प्रश्न है, यहां भी प्रश्न है। अब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना तो पड़ेगा। सर, मुझे तो सबसे ज्यादा शक उस आनंद पे हो रहा है। पहले उसने हमसे झूठ बोला कि वो उस रात शूटिंग कर रहा था, फिर कहता है कि अपने दोस्त के साथ था। सर, कुछ तो झूठ। हाँ, अब इस झोल की पोल हमें ही खोलनी पड़ेगी। तू एक काम कर, आनंद के भूतकाल के बारे में, उसके वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर, और इसी के द्वारा हम उसका भविष्य निर्धारित करेंगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मुझे नहीं मिलना तुमसे। वो स्वीटा लिसन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? क्यों इतना टेंशन ले रही? स्वीटा, जो हमारी असली मुसीबत थी वो तो चली गई, अब बची सिर्फ तुम और फ्रेंड। और एक बार ये केस खत्म हो गया, उसके बाद तो हमारी शादी की शहनाइयां बजी है ना। यहाँ से बाय। बहुत अच्छा हुआ, अब इस गुत्थी को सुलझाने में मुझे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। हाँ राठौड़ साहब, बोलिए। पाठक साहब, जज सिन्हा ने प्रोसिक्यूटर जायसवाल के कहने पर सब लोगों को रात को 9 बजे ओशो मैदान में बुलाया है। आप भी आ जाइएगा, लेकिन सावधान रहना, कहीं आपका क्लाइंट भेड़िया बनकर सबसे पहले आप ही के ऊपर ना अटैक कर दे। यू नो, देखिए राठौड़ साहब, ऐसे मूर्खता भरे प्रश्नों का मैं उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। और दूसरी बात, ऐसी मूर्खता भरी घटना, अंधविश्वास से भरी घटना को देखने अवश्य होगा। सेव इडियट। जायसवाल, यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके इस अंधविश्वास में कैसे आ गया। एनीवेज, आपको जो कुछ भी प्रूव करना है जरा जल्दी कीजिए। मेरा विश्वास ही प्रूव करना है योर ऑनर, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूँ, और पाठक साहब आप गलत हैं। राठौड़, खोलो खोलो। हम पीछे हो जाइए आप। और योर ऑनर, मेरे पास ये किताब है जिसमें लिखा गया है कि आदमी भेड़िया कैसे बनता है। तो इसमें लिखा गया है, और मैंने मार्किंग करके भी रखा हुआ है। ये मैं बस जैसे भी बोलते जाऊँ वैसे आप करते जाइएगा। आप है ना, आप दाहिनी और मुंह करके खड़ा रहिए। आप उधर नहीं, इधर, ये इस तरफ सामने मूनलाइट है, और फील करिए, फील कीजिए आप। हाँ, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। नहीं हो रही? क्यों नहीं होगा? आप देखो, नहीं मेरी तरफ मत देखिए, आप उधर देखो, उधर देखिए, उधर देखिए आप। अरे वो जायसवाल साहब, अब छोड़िए अपने अंधविश्वास को, बाज आ जाइए। आपका ये पूरा तथ्य खोखला साबित हो चुका है। मिस्टर जायसवाल, आपने केवल 2 मिनट मांगे थे, अब आधा घंटा हो चुका है। बस और 2 मिनट प्लीज। बहुत हो गया जायसवाल साहब, अब हमारा कीमती समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है ऊपर बादल। वहां से क्या है ना, बादल हटेगा मतलब बादल एग्जिट और भेड़िया एंटर इधर। जायसवाल, अब तो पूरा चांद निकल चुका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप फील कीजिए, फील कीजिए, भेड़िया भेड़िया फील कीजिए। हेलो जी सर, क्या खबर है? बस सर, अभी क्लाइमेक्स आने वाला है। या सर, I'll shoot you, Professor. Leave him. That's all.